प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरा यीशु कितना भला है, हमेशा के लिए वो काफी है। मेरा यीशु कितना भला है, हमेशा के लिए वो काफी है। आपत्ति विपत्ति जीवन में आए, तू ना छोड़ेगा मेरा साथ। आपत्ति विपत्ति जीवन में आए, तू ना छोड़ेगा मेरा साथ। आज का संदेश वैंजलिस ओएम मैथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आने में प्रभु ने मुझे सहायता किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन का सेवकाई सबका जीवन में आशीष का कारण होने दे, यही प्रार्थना के साथ आज का संदेश में शुरू करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह भी इब्रानियों की पत्रिका से हम लोग कुछ बात देख लिया है। बाइबल कहते हैं हर एक प्रभु का वचन पवित्र आत्मा का प्रेरणा से लिखी हुई है, हमारा आत्मिक उन्नति के लिए है। इसलिए बाइबल का हर एक वचन आत्मिक उन्नति देने वाला है, लेकिन एक एक पत्रिका में कुछ मुख्य विषय दिया जाता है। उसमें इब्रानियों का पत्रिका, जैसे हमने पिछले सप्ताह बताया है, यीशु मसीह की श्रेष्ठता और यीशु मसीह जो महायाजक है, श्रेष्ठ याजक है, जिसके बारे में वर्णन करते हैं। हम लोग ये भी देख लिया है पूर्व युग में परमेश्वर ने बापदादों से थोड़ा थोड़ा करके और बांधी बांधी से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किया। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारे वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि का रचना की है। हम बताते हैं प्रभु यीशु मसीह बाप दादों से बड़ा है, सारे भविष्य वक्ताओं से बड़ा है, वो सृष्टिकर्ता है और सब कुछ संभालने वाला है। इस प्रभु यीशु मसीह सारा मानव जाति के लिए क्या किया, वही उद्धार का संदेश भी हम लोग पिछले कई दिनों से आपके सामने रखा था। इब्रानियों का किताब दूसरा अध्याय इसका 14 और 15 पद में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लघु के बागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शक्ति को शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें चुड़ा ले। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है। आज सारा मानव जाति मृत्यु का भय में जीवन बिता रहा है। मृत्यु शब्द कई लोग सुनना नहीं चाहता है, लेकिन सच की बात है कि बाइबल बताते एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना सबके लिए नियुक्त किया। हर एक व्यक्ति को एक दिन मरना है, लेकिन यहां पर जो पौलुस ने कह रहा है, हमें मृत्यु से डरने का जरूरत नहीं है। अर्थात जो मृत्यु शैतान का चाल है, उसको दिखा करके मनुष्य को अपना दास बना करके रखा। आज मृत्यु पर उनको शक्ति मिली है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनका मृत्यु के द्वारा जो लोग मृत्यु के भय में भय के मारे जीवन भर उन जो शैतान का दासत्व में बसे थे
उनको छुड़ा लिया। प्यारे भाइयों, एक उद्धार का संबंध में बताता है, सारा मानव जाति जो मृत्यु का भय में था उसको छुड़ा लिया है। आज हम मृत्यु का संतान नहीं, आज हम जीवन का संतान बन गया है। यही बात हम लोग रोमियों का किताब में भी पढ़ते हैं, वो वहां पर बताता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्म में टकराया गया। और उसका 8वां अध्याय का जो पहला पद में हम लोग पढ़ते हैं, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। तो पहले हम लोग शरीर की इच्छा के अनुसार चलता था, आज मेरा और आपके अंदर में यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा आ गया, इसलिए हम लोग पवित्र आत्मा का अगुवाई में जीवन बिता रहा। दूसरा पद में बताता, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया था वो पाप का जानकारी के लिए दिया था, वो हमें ये सिखाता कि हम मृत्यु की ओर जा रहा है, मृत्यु का प्रमाण कहता है इधर। लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास किया आज जीवन का प्रमाण में आ गया, आज पवित्र आत्मा ही हमें चला रहा है। मुझे सुनने वाला हर एक विश्वासी लोगों को ये बात बता रहे, आज आप प्रभु का संतान है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में वास कर रहा, आपका और मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर बनाया गया है, मैं नई सृष्टि बन गया, पुरानी बातें हमसे बीत गया। प्यारे भाइयों, इसलिए मेरा और आपका जीवन में एक निर्णय लेना है, मैं किस प्रकार अपना मसीह जीवन बिता रहा, अभी भी शरीर की अभिलाषा पूरा करते हुए जीवन बिता रहा, शरीर का हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए मेहनत करने वाला, भले आप विश्वासी है लेकिन आपको एक शारीरिक विश्वासी कहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की इच्छा के अनुसार। लेकिन बाइबल कहता है यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठा है तो जो स्वर्ग की ओर जगह प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विद्यमान है, और वहां पर हमारा जो हम ताकना है वहां की ओर, यीशु मसीह की ओर देखना है, आत्मा के अनुसार चलना। प्रभु सहायता करे इस संदेश के द्वारा अपना जीवन को जरा परख कर देखने के लिए, और आज निर्णय ले मैं शरीर के अनुसार जीवन बिताने वाला है या आत्मा के अनुसार यीशु मसीह को देख करके जीवन बिताने वाला। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, आमेन।